बेटा बाहर मत जाओ, किचन में काम मत करो, घर का काम मत करो. व सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस वी बिलीव वर स्टार्टेड आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ द सिंपल लॉजिक दैट मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन रिक्वायर रेस्ट. एंड हियर वी आर, सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज विद सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस एंड स्टिग्मास अराउंड मेंस्ट्रुएशन. जेस्चर्स स्टार्टेड आउट ऑफ केयर आर नाउ इम्पोज्ड एज एन अथॉरिटी, एज अ सोसाइटल नॉर्म. लोग छोटे थे उस टाइम बड़ी होती थी. उस टाइम ये होता था कि किचन में नहीं जाना, तुमने अचार मसालों को हाथ नहीं लगाना, अगर गलती से लग जाए तो बहुत डांट पड़ती थी. कहते थे कि ये खराब हो जाएगा. मंदिर जाने से रोक होती है, भगवान की मूर्ति हम नहीं छू सकते. और गाँव में बाहर नहीं जा सकते, 3 दिन तक हवा वगैरह लगने का डर होता है. अचार और मंदिर जाने पे मेरा ठीक लगता है. पूजा घर में नहीं जाते हैं, और जैसे मेरी मदर इन लॉ थी तो उनको हम खाना नहीं बना के देते थे, ऐसा उनका था तो चलो ठीक है, इट्स ओके. लेकिन अब जैसे हम अनमेरिड में ये था कि हमारे घर में तो पूजा भी नहीं करते थे और 3 डेज किचन में भी नहीं जाते थे. लगता था जी बैकर, बट पता नहीं क्यों नहीं जाते ना, ये मैं अभी सोचती हूँ कि भी क्यों नहीं जा सकते. जैसे घर के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, जैसे मंदिर नहीं जाने देते थे. हमारे गांव में कुआं होते थे, कुआं में पानी नहीं भरने देते थे. कहते कुआं में पानी मत भरो, पानी गंदा हो जाएगा. तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि शरीर है, पानी ऊपर से भरेंगे और नीचे उनको बहुत प्रॉब्लम होता था कि कुआं में पानी मत भरो. इसका मतलब था कि सही नहीं था उस ज़माने में कि बड़े बुजुर्ग सब जान जाते थे कि आपको पीरियड्स आया, सबको बताना पड़ता था. घर घर में जितने बड़े बुजुर्ग लोग थे सबको बताना पड़ता था, अपने कमरे में रहो, रसोई में न जाओ, जो बड़े लोग हैं उनको खाना ना बनाओ. तो सभी को पता चल जाता था. मतलब अशुद्ध मानते थे, अशुद्ध, शुद्ध नहीं मानते थे. मंदिर नहीं जा सकता था बच्चा, उसको लेडी को मंदिर जाना बिल्कुल मना था. उसको बोलते थे मैंने नहाओ दो, किचन में नहीं जाना, आपने खाना वगैरह नहीं बनाना. अच्छा किसी अच्छे कार्यक्रम उसको एंटर भी नहीं करने देते थे कहीं भी. मतलब कोई फंक्शन है घर में, रिलीजियस फंक्शन है, तो उनको मतलब अवॉइड करते थे. भाई आपने, भाई आपके दिन इवन मंदिर में दीपक भी आप लोग धूप बत्ती भी नहीं कर सकते, जोत नहीं जला सकते आप लोग, धूप बत्ती नहीं कर सकते. आपने मतलब नहाना धोना है, कपड़े वगैरह चेंज करके अपना, और किचन में नहीं जाना बिल्कुल, खाना वगैरह नहीं. आपका तो अशुद्ध मानते थे. मंदिर में नहीं जाना, कोई भी बोले घर में कोई शुद्धि वाला काम है तो वो नहीं. कम से कम बोलो 3 या 4 दिन तक, 4 दिन मतलब इसका कम से कम इफेक्ट घर में रहता था. किचन की तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी. वो कहते थे भी जो भी लेना है मंगवा लो, मिल जाएगा, अपने रूम में रेस्ट करो. खराब लगता था, लेकिन खराब लगता था, हम कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि सब पे था. कई कई घरों में तो खाना तलक दूसरी थाली में देते थे. पहले ज़माने में कई कई लोग खाना भी दूसरी थाली में देते थे कि बर्तन भी न छूओ. तो कैसा लगे किसी की बहन बेटी के साथ हो तो खराब लगता था. आजकल के ज़माने में इतना सही है, बेशक आपका पति है या वो बेशक जान जाए, बेशक कोई नहीं जान सकता है, इतना ये सही है. अब तो ये जैसे डॉक्टर्स ने हाइजीनिक ज़्यादा हो गया, अब पुराने ज़माने में इतना नहीं होता था. बस क्या है कि कपड़ा यूज़ करते थे लोग और उसी को धोना, उसको दोबारा से रीयूज़ कर लेते थे. अब जैसे हाइजीन का है, डॉक्टर्स ने इतना बताया है कि ये एक नेचुरल तरीका है. मंदिर छोड़ के ना बाकी ऐसा कुछ नहीं, अभी जैसे हमें नहीं जाना वगैरह, बाकी सब बस एक मंदिर छोड़ के. मंदिर में तो हम खुद भी नहीं जाते ना इसलिए. उस टाइम मतलब ये अवेयरनेस नहीं थी, मतलब उनको इतना एजुकेशन नहीं थी, उनको पता नहीं था. अभी देखो ये तो नेचुरल लॉ ऑफ नेचर है, जो मतलब हमारा फीमेल ऑर्गन्स हैं, जो फीमेल लेडीज हैं, जो गर्ल्स हैं, ये उनका उनके लिए मतलब एक लाइफ का एक नेचुरल साइकिल है.
जो हमारा रिप्रोडक्शन है, हमारी जो जनरेशन है, अगर वो चीज नहीं होगी तो हमारी री जनरेशन ही नहीं होगी। सबको बताना पड़ता था, एक ऐसा जमाना था सबको बताना पड़ता था, क्योंकि अब के जमाने में कोई किसी को बताता है, कोई नहीं किसी को बताता है, केवल डेट पता है कि हाँ इतनी डेट पे। हम लोगों को तो डेट भी नहीं पता होता था कि कितनी डेट पे आएगा, कितनी डेट पे। पहले के जमाने में ये था, बुद्धू थे लोग, अब नहीं बुद्धू है। चाहे आप विकर सेक्शन में देख लो, स्लम एरिया में देख लो, सब अच्छे से हाइजीन का ख्याल रखते हैं, जो ये चीजें पुराने जमाने में नहीं होती थी। एडवांस हो गए हैं लोग, बेटर है, लोगों को अवेयरनेस है, अब एजुकेशन है, लोग पढ़े लिखे हैं, उनको इस चीज की अवेयरनेस है, उनको बताया जाता है। अपने पहले लोग शर्म करते थे, हिचकिचाते थे, अब जैसे मैं बड़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, बच्चे लोग शर्म, बच्चों को पता ही नहीं होता। लेडीज कई बार शादीशुदा, उनकी शादी भी हो जाती थी, उनको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं होता था ये क्या है। वेल, वी हैव प्रोग्रेस्ड एज अ सोसाइटी, हैवंट वी? वी हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। फाइनली we are okay with women trying to keep themselves safe and sanitized after thousands of years. And yet, in a developing society where we have come a long way, we have quite a more issues added to the previous ones, and we are the solution. To solve environmental issues, accessibility issues, and taboos in underprivileged section of the society, we are an amateur body of individuals spreading knowledge and awareness. We are Project Ambika. Enactus GGTST College is a non-profit organization driven by the aim to make the world a better place by combined entrepreneurial action by the students. The club has been functional since 2015 and is actively working towards the social cause since then. We currently have 3 projects and 3 departments, one of them being Project Ambika. Project Ambika is a social and environmental initiative aimed at spreading menstrual awareness, providing biodegradable sanitary napkins and employment opportunities to the women belonging to the lowest section of our society. We make biodegradable sanitary napkins and sell them at subsidized prices to the underprivileged sections of our society and spread awareness about menstruation. While working for more than 6,000 plus hours, we have educated more than 400 people and achieved self-sustenance by purchasing our own sanitary pad making machine, which is operated by specially abled people, helping them earn a livelihood. We also ran an online awareness campaign with a reach of 6,500 plus people and visited 12 slums in Chandigarh, Punjab and Haryana. Our growth is not just on paper. Since 2019, we have increased our revenue by almost 4 times. With rupees 8,000 in 2019 to 2020, it took a leap to 11,000 in 2020 to 2021 and to 31,000 this year. And we do not plan to stop here. We still aim to achieve more. Scaling the project commercially with adding on the educational drives to the project while collaborating with various NGOs and developing public relations are some of our short-term goals for Project Ambika. We also aim at getting an automated sanitary pad making machine for advanced production units.